लिफ्ट और लिफ्ट पे आगे स्टेयर आपका और ये अंदर चले गए। एक मिनट, दो मिनट और तीन ही मिनट, ये मेन एंट्रेंस। मेन एंट्रेंस से आप अंदर आते हैं। ये आपका ड्राइंग प्लस डाइनिंग एरिया। ये दो बेडरूम फ्रंट पे हैं, ये किचन है आपका और यूटिलिटी एरिया है या स्टोर भी कह सकते हैं, और एक बेडरूम और बाथरूम पीछे मेन एंट्रेंस। आइए चलते हैं पहले बेडरूम। ये पहला बेडरूम है। और इसके साथ ये आपका अटैच टॉयलेट, शाफ्ट दिया हुआ है। और ये बेडरूम से बाहर आए, ये मैंने बताया आपको लिविंग एरिया। लिविंग एरिया के साथ अटैच टॉयलेट ये है, कोई गेस्ट वगैरह आता आपका तो ये टॉयलेट यूज करने के लिए है। इसमें भी वेस्टर्न है लीजिए। और उसके बाद आप आगे जाते हैं तो ये एक यूटिलिटी एरिया टाइप का दिया हुआ है, वार्डरोब वगैरह भी लगा सकते हैं या स्टोर के रूम में यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद आप आगे जाएंगे, ये आपका सेमी फर्निश्ड किचन, ये किचन दिया हुआ है सेमी फर्निश्ड। और अब आते हैं सेकेंड बेडरूम में। ये सेकेंड बेडरूम, आपका ये वार्डरोब वगैरह लगा हुआ है, ये पूरा बना हुआ है आपका वार्डरोब। दस बाई बारह का रूम साइज है। और ये बालकनी है आपकी करीबन 3.5 फिट। इसमें पॉइंट आपको वॉशिंग मशीन का पॉइंट दिया हुआ है और एक नल का कनेक्शन। और ये और अभी हम जो हैं वो 4th फ्लोर पर खड़े हुए हैं। कार पार्किंग के साथ ये फ्लैट आपको मिलता है 1350 स्क्वायर फीट में, 3 BHK विथ 3 टॉयलेट। एक बेडरूम आपका ये है, बालकनी से ही अंदर जाएंगे। ये देखिए, इसमें भी आप ये देख रहे हैं UPVC डोर दिया हुआ है, विंडो दिया हुआ है, रोशनी अच्छी खासी फ्लैट के अंदर आ रही है। और इसमें अटैच ये दिया वार्डरोब और इसके साथ भी एक अटैच टॉयलेट, जो तीसरा टॉयलेट मैंने आपको बताया था।